नमस्कार, आप देख रहे हैं N20 लाइव। मैं आर रॉय आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि N20 लाइव की टीम सिवान सदर का हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रही है, तो सिवान सदर के अंतर्गत आता है जिला परिषद क्षेत्र संख्या 15 और वहां के सुयोग्य कर्मठ ईमानदार जिला परिषद प्रत्याशी संगीता यादव के पति जयराम यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं। जैसा कि ये किसी परिचय के मोहताज हैं नहीं, सिवान के हर एक व्यक्ति इनको जानता है भली भांति। ये सिवान के चेयरमैन भी रह चुकी है संगीता यादव, और अभी चुनाव नज़दीक है, 29 तारीख को चुनाव होने वाला है और चुनावी सरगर्मियाँ काफ़ी तेज है, और इस बार का जो चुनाव है थोड़ा टफ तो होने वाला है, लेकिन हर एक कैंडिडेट अपने हिसाब से मेहनत कर रहे हैं और जिनका संपर्क ज़्यादा होगा उनको बेनिफिट उतना मिलेगा। लेकिन आइए पहले हम सर से मिलवाते हैं। सर, स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। आपको भी बहुत, आपके चैनल को भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं कि सहरसा जैसा सुदूर देहाती क्षेत्र के गाँव में आप पहुँचे हुए हैं पंचायती चुनाव के बारे में जानकारी के लिए, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। तो सर, जिस धरती पर अभी हम लोग मौजूद हैं सरसा गांव, ये आपके राजनीति की शुरुआत इसी गांव से हुई थी शायद, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं अपने गांव के बारे में, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से आपके गांव के साथ साथ आपके जिला परिषद क्षेत्र की हर एक जनता देख रही है। यह गाँव बिल्कुल ही पिछड़ा हुआ गाँव था, इसमें शिक्षा की रोशनी ही नहीं थी। हमने इस गाँव में पहला व्यक्ति हूँ जो साइंस की पढ़ाई किया और फर्स्ट डिवीजन हाई स्कूल पास किया जीरादे से। मेरे एक दोस्त थे नंजी यादव, वो भी हमारे साथ थे, वो भी हाई स्कूल किए, और तब से हम लोग लगे। और इस अभी वर्तमान समय में करीब करीब 25 टीचर मिडिल स्कूल और हाई स्कूल में इस गांव में हैं, इंजीनियर करीब 40 हैं, और सभी हमारे गाँव में सभी समुदाय के रहने वाले लोग हैं, सबका विकास हुआ है। और यह गांव हर एक गांवों से जुट गया है, सिवान से इसका कनेक्शन हर तरफ से है, इसी तरह से पूरे 9 पंचायतों का कनेक्शन मैडम ने कर दिया है सिवान से। तो एक चीज़ है सर कि जिससे विकास आपके पंचायत में इस सहरसा गांव का हुआ है, और यही विकास पूरे आपके जिला परिषद क्षेत्र में भी शायद हुआ है। जैसे देखा जाए तो जो यहाँ के चेयरमैन हैं संगीता यादव, वो पूरे सिवान का प्रतिनिधित्व करती हैं, और वैसे आप एक समाज सेवी हैं, शिक्षा के माध्यम से आप समाज सेवा करते हैं, आपके जो संस्था चलता है उसमें हमको उम्मीद है कि सैकड़ों बच्चे जो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई करते हैं सरकारी माध्यम से, तो इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं जो आप शिक्षा के माध्यम से सेवा करते हैं लोगों का? मुझे लगा ना कि यदि कमज़ोर और पिछड़े लोगों को, जो लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, अगर उनको शिक्षा दे दिया जाए तो अपना वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाएंगे और अपना अधिकार ले लेंगे। इस भावना से हम लोग शुरू से ही शिक्षा ही में लग गए और सबको शिक्षित करने में लग गए कि शिक्षित हो जाएगा वो अपने लायक बन जाएगा, और उसी दिशा में ज़्यादा काम किए। फिर पंचायती चुनाव आया और मैडम उसमें 2001 में BDC का चुनाव जीती है, तब से हम लोग राजनीति में आए, और जिस तरह से हम लोगों ने शिक्षा प्रदान किया है, जिस स्टैंडर्ड से, उसी स्टैंडर्ड से हम लोग राजनीति भी कर रहे हैं। और राजनीति में आप लोग तो 9 पंचायत का दौरा किए हैं, इसमें छिपाना क्या है, आज के डेट में न संगीता नाम बोल रहा है, न जयराम नाम बोल रहा है, केवल विकास बोल रहा है, और जो भी वोट मिल रहे हैं सभी समुदाय के वोट मिल रहे हैं और विकास के नाम पर मिल रहा है वोट। ये तो स्पष्ट है विकास के मुद्दा पे ही आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन जो आपके विपक्षी लोग हैं वो लोग भी विकास के मुद्दा पे ही चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उन लोगों का नाम है कि विकास नहीं हुआ है और आप लोग विकास किए हैं उसके मुद्दा पे चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि चुनाव आप लोगों के लिए इस बार आसान हो पाएगा जैसे पिछली बार हुआ था? कोई विपक्षी है ये नहीं है, किस विपक्षी का मैं नाम लूँ, कोई विपक्षी रहता तो लड़ाई बहुत दूर की है और साफ स्पष्ट लड़ाई है, दो टूक लड़ाई है, बड़ी दूर की लड़ाई है। कोई टक्कर में हो तब ना उसका नाम लें, कोई टक्कर में काम किया हो तब ना नाम लें, कोई अति असहाय और बीमार मरने में जीने में कोई गया हो तब ना उसका नाम लें, हमको किसी का नाम नहीं लेना है, इसीलिए कि दूर दूर कोई है ही नहीं तो नाम क्या लेना है उनका। तो एक चीज़ और जुड़ा हुआ है आप लोग के साथ, शायद इतिहास लग रहा है फिर अपने आप को जो दोहराएगा, क्योंकि 5 साल पहले जो इतिहास लिखाया था फिर लग रहा है कि इस जिला परिषद क्षेत्र संख्या 15 में लिखाने जाएगा, क्योंकि जो चुनाव चिन्ह 2016 में आपको मिला था
फिर से चुनाव चिन्ह वही मिला है 2021 में, इसके बारे में क्या कहना है? लोगों का कहना है कि अपराजित यह चुनाव चिन्ह है, जिसको जिसको मिला है सब जीतते रहता है, और यही लग रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये लोग कह रहे हैं कि मैडम चुनाव जीत चुकी है। आपको भी जानकारी है, आप अपने चैनल के माध्यम से जान चुके हैं कि मैडम की चुनाव कहाँ तक, इनका चुनाव पहुँच चुका है, और लोगों का कहना है कि मैडम चुनाव जीत गई हैं। जो ये शब्द बोल रहे हैं कि ये चुनाव चिन्ह अपराजित है, तो शायद इसीलिए अपराजित है कि जो किसान खेती करते हैं, किसान से जुड़ा हुआ है मक्का जी। तो जितने भी किसान वर्ग है, इस मक्का को अपने पसंद बना लिया है शायद, इसके बारे में क्या कहिएगा? ये कल हम मठिया ग्राम में घूम रहे थे, मकरियार पंचायत के मठिया ग्राम में घूम रहे थे, तो वो लोग वहाँ कह रहे थे कि ये मक्का का बाल जो मिला है मैडम का, कुंवर हुआ मक्का का बाल है, और ये हार्जा नहीं करता है, बैसकुआ रहता तो कुछ हर्जो करता, ये हार्जा नहीं करता है, इसीलिए इसको लोग पसंद किया है कि हार्जा करवे नहीं करेगा। संगीता जी किसी को नुकसान पहुँचा ही नहीं सकती है, जिस तरह से ये मक्का किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है, इसीलिए सब लोगों के दिल में मक्का का बाल बस रहा है, और सारे लोग उत्साहित हैं कि मक्का ही के बाल पर वोट देना है। तो सर, एक क्वेश्चन बहुत चर्चा में है, सिवान जिला में भी ये चीज़ की चर्चा हो रही है कि जैसे आप लोग एनडीए के साथ हैं सिवान में, लेकिन कुछ प्रत्याशी ऐसे आए हैं यहाँ से चुनाव जो लड़ रहे हैं, जो पार्टी बेस पे चुनाव को जोड़ दिए हैं, और वो भी कहीं भी जा रहे हैं तो पार्टी का नाम लेके ही वोट मांग रहे हैं कि मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, मुझको वोट दीजिए, और आप लोग जदयू के नाम से, मतलब आप लोग जदयू पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो क्या आपको नहीं लग रहा कि इसे एनडीए को खतरा हो सकता है सिवान में? देखिए, चुनाव तो पार्टी पर हो नहीं रहा है, चुनाव तो ये पंचायती राज चुनाव है, और गवर्नमेंट ने कह दिया है कि कोई भी पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी, चुनाव आयोग का आदेश भी है कि पार्टी का नाम नहीं लेना है, तो हम लोग पार्टी का नाम नहीं लेते हैं। लेकिन मैडम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अनुयायी हैं, उनके अनुचर हैं, और जिस तरह से नीतीश कुमार काम करते हैं उसी पैटर्न का काम वो करती हैं, और उसी काम के वजह से मैडम चर्चा में है। तो हो सकता है कहीं इस बार चुनाव जीतने के बाद मैडम को अगली बार जैसे कोई बड़ा पोस्ट पे भी सरकार ला सकती है, नीतीश कुमार की पार्टी ला सकती है, इस पे कोई विचार हुआ है अभी? नहीं, हम लोग तो ये पंचायती राज का चुनाव लड़ रहे हैं, और हम लोग यही जानते हैं कि जनता मैडम को जिता रही है जिला परिषद में, और इसके आगे हम नहीं कह सकते हैं, वो पार्टी और माननीय मुख्यमंत्री जाने कि किस लायक मैडम है, उनको कहाँ रखना है, उस पर कोई अभी टीका टिप्पणी हम लोग नहीं करेंगे, और ना हम लोग की कोई आगे कोई बहुत बड़ी इच्छा है कि हमको एमपी बना दिया जाए, एमएलए बना दिया जाए, ऐसा कोई हम लोग अभी कोई विचार नहीं, क्योंकि पिछली बार जो संसद का चुनाव हुआ था, पीएम का चुनाव जो हुआ था 2019 में, उसमें देखा गया था कि इनका नाम आ रहा था कि टिकट हो सकता है सिवान से कहीं संगीता यादव को मिले, लेकिन दुर्भाग्यवश टिकट नहीं मिला, लेकिन उम्मीद तो जरूर होगा कि अगली बार जब चुनाव हो तो टिकट पार्टी दे, क्योंकि आयरन लेडी के नाम से सिवान में जानी जाती है संगीता यादव, और पूरे सिवान का प्रतिनिधित्व चेयरमैन होने के नाते कर चुकी हैं, तो हो सकता है पार्टी में कहीं इसका फायदा मिलेगा जो सिवान का प्रतिनिधि की है संगीता यादव। तो ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी की बात है, और हम लोग पार्टी में रहने के नाते प्रयास करते हैं, और नहीं मिलता है तो मुख्यमंत्री महोदय जिसको कह देते हैं उसको मदद करते हैं। तो एक चीज़ है सर, जितना भी प्रत्याशी लोग चुनाव में आए हैं उसमें से एक जो संगीता यादव है, इनकी अपनी एक अलग पहचान बन चुकी है 5 साल में, और अलग नज़र से लोग इनको देख रहे हैं, और भी जो प्रत्याशी हैं इतना पहुँच, इतना मतलब सरकार तक पैर भी किसी प्रत्याशी का नहीं है, तो कहीं ना कहीं इसका फायदा तो यहाँ के जनता को ही मिलेगा, खासकर जिला परिषद क्षेत्र संख्या 15 के जनता को मिलेगा, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? ये तो है मैडम, जदयू की कार्यकर्ता हैं, और उस पार्टी में रहने से और इनके जीतने से यहाँ के लोगों को तो ज़्यादा लाभ होना ही होना है, क्योंकि सारे लोग जानते हैं कि एमएलए तो सब लोग होता है, लेकिन जहाँ के मुख्यमंत्री रहते हैं उसका बातें कुछ दूसरा होता है, आग जहाँ लगता है वहीं पर धार ज़्यादा होता है। जी जी, और वहाँ के हर लोग देते हैं वोट, जो मुख्यमंत्री बनने वाले होते हैं उनको हर लोग वोट देते हैं कि हम लोग मुख्यमंत्री को वोट दे रहे हैं। यानी इस बार भी कहीं चेयरमैन का दावा ठोकिएगा फिर से, तो इसलिए सिवान सदर जो क्षेत्र संख्या 15 की जनता है फिर से एक बार सपोर्ट करे ना। अभी तो ये ठीक है, भविष्य के गर्भ में है, हम लोग अभी इतना ही जानते हैं कि 29
का 29 को जो वोट होने जा रहा है जिला परिषद का, उसी के अभी संदर्भ में हम लोग बात कर रहे हैं और उसी के लिए लगे हुए हैं। अभी उसी के लिए लड़ाई हो रहा है, अभी चेयरमैन का कोई बात नहीं, नहीं है। अभी ऐसा कोई चेयरमैन का कोई सोच नहीं है, केवल अभी चुनाव के हम लोग लड़ रहे हैं। और मैडम का कहना है कि हमको जिला परिषद बनना है, अब आगे क्या होगा, भविष्य क्या कहेगा और उसके अनुसार तय होगा, लेकिन अभी ऐसा कोई विचार नहीं है चेयरमैन का। तो हमारे चैनल के माध्यम से जिला परिषद क्षेत्र संख्या 15 की जनता से अंत में क्या अपील कीजिएगा? मैं क्षेत्र संख्या 15 के जनता जनार्दन से, जनता मालिक से आग्रह करता हूं कि आपने संगीता जी को 5 साल जो समय दिया उसमें अपने समय से काफ़ी परिश्रम और काफ़ी प्रयत्न करके हम लोगों ने इस क्षेत्र का विकास किया और हर समय बराछा से बारात तक, दुख से सुख तक, श्मशान घाट तक और बीमारी से लेकर सब, जब आप बुलाए हैं एक कॉल किए हम लोग आ गए। एक ही समय हम लोग कुछ छोड़े हुए हैं प्रोग्राम को, जिस समय मैडम का माँ का तबीयत खराब था, हॉस्पिटलाइज थी, कोरोना हो गया था और उनका मौत हो गया, वही 32 दिन का पीरियड में हम लोग किसी का थी इनविटेशन छोड़े हैं, नहीं तो हर समय रहे हैं। हम अपील करते हैं कि यदि आप पुनः मुझे, मैडम को पुनः आप अवसर देते हैं तो हम लोग दूना प्रयास करेंगे, इसलिए कि इस बार अनुभव हो गया है और दूना प्रयास करेंगे विकास का और आपके साथ साथ चलने का प्रयास करेंगे, आपके कदम से कदम मिलाकर चलने का, हर समय हर वक्त आपके एक कॉल पर आने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि हमारे साथ मौजूद है अभी सिवान के चर्चित नेताओं में एक जयराम यादव, संगीता यादव के पति, जो वर्तमान में 5 साल तक सिवान के चेयरमैन रह चुकी है और अभी चुनाव है तो प्रत्याशी के रूप में, जिला परिषद प्रत्याशी के रूप में आई है अपने क्षेत्र में। तो ग्राउंड से रिपोर्ट हम लोग आप तक पहुंचा रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से और जिला परिषद क्षेत्र संख्या 15 का हर एक पंचायत का भी रिपोर्ट आप तक हम पहुंचा रहे हैं। तो आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, हर एक खबर के साथ आप जुड़े रहिए N20 लाइव पर। धन्यवाद।